वायरल हुआ है जिसमें आसाराम द्वारा एक संदेश दिया जा रहा है और आप द्वारा भी पुष्टि की जा रही है, क्या है? क्या है कि जेल में एसटीडी की सुविधा उपलब्ध है बंदियों के लिए, उसमें आसाराम ने भी अपना रजिस्ट्रेशन करवा रखा है, उसके दो नंबर रजिस्टर्ड हैं यहाँ, उन नंबरों को हम एटीएस द्वारा अप्रूव करवाते हैं कि कहीं गलत नंबर तो नहीं है, और जब एटीएस से अप्रूवल आ जाता है, जब हम उन दो नंबरों को, जिन सिम के दो नंबर होते हैं उनको अप्रूव करते हैं, उस नंबर से फिर एक व्यक्ति एक महीने में 80 मिनट बात कर सकता है 120 रुपये में। तो आसाराम ने भी कल 6:30 बजे अपने आश्रम में किसी साधक है या कौन है उससे बात की थी, उसी की गई बात को शायद वहाँ सामने जो व्यक्ति था उसने रिकॉर्ड कर लिया और उसको वीडियो वायरल कर दिया, इतनी सी बात। क्या सर अहमदाबाद साबरमती बात हुई थी? हाँ, साबरमती आश्रम का ही नंबर है वो, आश्रम का ही नंबर है और आश्रम पे ही बात हुई थी। हमारे पास भी जो सॉफ्टवेयर है उसमें रिकॉर्डिंग होती है बंदी जो बात करता है, तो और हम भी वो बात सुनते हैं, तो सुनने के बाद में ऐसी यदि कोई बात पाई जाती है कि कोई गलत बात है या कोई किसी के हित के विरुद्ध है या कोई भड़काऊ बात है, खासकर हम उस समय ज़्यादा ध्यान रखते हैं, जैसे मान लो कोई बंदी अंदर से वहाँ एसटीडी पे तस्करी के बारे में बात कर ले, चोरी के बारे में बात कर ले, कोई और कोई प्लान बना रहा हो, तो हमारे पास उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग होती है, ऑडियो रिकॉर्डिंग होती है, उसके हम ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनते हैं और उसके बाद ये तय करते हैं कि इसने बात सही की है। इनकी भी चूँकि तो ये परसों बात करना चाह रहे थे, जिस दिन डिसीजन था उसी दिन बात करना चाह रहे थे, लेकिन उस दिन चूँकि हमारी उसमें सॉफ्टवेयर में कोई गड़बड़ थी तो उससे नहीं हो पाई, कल 6:30 बजे का बताया गया था उनको, 6:30 बजे बात हो। सर भारती भी कभी यहाँ मिलना है क्या? भारती इन साल नहीं, नहीं 3.5 साल में भारती कभी मिलने नहीं आई, मैं उनकी पत्नी कभी मिलने आई। सर एक सवाल, पिछले दो दिनों से सजा का ऐलान होने के बाद में आसाराम की दिनचर्या में क्या फर्क आया है? पहले जिस तरह के योग वगैरह किया करते थे, नहीं क्या देखो जैसे सजा, हाँ जैसे सजा होती है तो सभी एक बार सदमा सभी को लगता है, वैसा उन्हीं को भी लगा होगा, क्योंकि और दिनों के मुकाबले जितना बोलते उतना नहीं बोले, लेकिन ज़्यादा परिवर्तन नहीं आया, परिवर्तन ज़्यादा नहीं है, तो थोड़ा बहुत परिवर्तन हुआ जो 2-4 दिन में सभी बंदियों में ऐसा एक झटका होता है, उनके भी लगा होगा। डेफिनेटली सजा जब लगी हुई तो जो उन्होंने सोचा था कि मैं बरी हो जाऊंगा, और जब ये लगा कि मैं इतना मेरे को इतनी सज़ा होगी तो डेफिनेटली सजा लग गया, थोड़ा कम बोले और, लेकिन है ये सभी बंदियों के साथ होता है, 5-7 दिन में सभी नॉर्मल हो जाते हैं, आशा करते हैं वो भी नॉर्मल ही हो जाए। खाना आना लेने बराबर? हाँ, खाना पहले दिन तो एकादशी का व्रत था, सजा के दूसरे दिन कल फिर उन्होंने खाना लिया, जेल का खाया, अच्छी बात है, जल्दी जेल के खाने पर आ गए। अगर पहले खा लेते तो अच्छा रहता।